फिर आज मैं ये एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ, तो फिर ये वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं मेकअप लुक। तो फिर 5 मिनट में कैसे आप मेकअप हो सकते हैं, चलिए आपको ये बताती हूँ। सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ों से ही मैं मेकअप की हूँ, ज़्यादा कुछ ज़रूरत ही नहीं हुआ है। ये आप चाहे कॉलेज या चाहे मार्केट या कहीं भी निकल सकते हैं, तो 5 मिनट में जल्दी ही आप मेकअप कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सिंपल मेकअप है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो फिर आज मैं सोची कि आप लोग के साथ कुछ शेयर कर लूँ। हमेशा तो मैं करती आई हूँ, लेकिन इस बार सोची तो आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फिर देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइए, मैं आपको चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू माय मेकअप ट्यूटोरियल। तो चलिए अब मॉइस्चराइजर से शुरू करते हैं। तो देखिए मॉइस्चराइजर लगाना स्टार्ट किया मैंने, अभी देख सकते हैं मॉइस्चराइजर। सबसे पहले हम मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाने से हमारा स्किन में थोड़ा ग्लो ज़्यादा ही होता है। मॉइस्चराइजर पहले अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। हमारा जो हैंड है उसमें 4 टिप्स में मॉइस्चराइजर लगाएंगे, अच्छे से मसाज टाइप का थोड़ा, जाकि अच्छे से हमारे फेस अभी पे हम सेट हो जाए। फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, देख सकते हैं मेबलिन का है फाउंडेशन। मेबलिन का सबसे अच्छा होता है, क्योंकि फेस में, मेरा फेस में ही सूट करता है, तो फिर मैं मेबलिन का ही यूज़ करती हूँ। तो फिर आप हैंड में लेंगे, डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट यूज करने से आपका स्किन अगर सेंसिटिव होगा, कुछ भी ख़राब हो सकती है, अगर पिंपल या एसिन का कुछ प्रॉब्लम या इरिटेशन का कुछ हो सकता है, तो फिर आप सबसे पहले हैंड में ले लेंगे। हैंड में लेके अप्लाई करेंगे फेस पे। तो देख सकते हैं आप लोग, हैंड में मैं ले चुकी हूँ। अब मैं फेस पे अप्लाई करूँगी। ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई करने से हम जब फाउंडेशन को अच्छे से सेट करते हैं, तो अच्छे से फेस सेट करने के लिए सही तरीका होता है। अब चाहे तो ब्लेंडर में भी लेके लगा सकते हैं, ब्लेंडर में, लेकिन मैं ऐसे हाथ में लगाती हूँ, मुझे लगता है कि ये अच्छे से सेट हो जाता है, इसलिए। चाहे तो आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं हैंड पे, वो आपकी मर्जी। तो देखिए अब मैं ब्लेंडर लाती हूँ। और ब्लेंडर में मैं अच्छे से सेट कर लूँगी अपना फेस पे, जितना फाउंडेशन लगाई हूँ उतना ये अच्छे से सेट हो जाता है ब्लेंडर में, इसलिए मैं ब्लेंडर में यही करती हूँ। आप चाहे तो ब्रश में भी कर सकते हैं, मुझे ब्लेंडर सही लगा तो मैं ब्लेंडर में कर ली, तो आप चाहे तो ब्रश में भी कर सकते हैं। बात बोलना तो मैं भूल ही गई आप लोग को। तो चलिए देखिए फेस पे ठीक से ये हो गया, सेट हो गया। तो जो जो मेरा चैनल में न्यू है और जो जो देख रहे हैं मेरा चैनल को, मेरा वीडियो को, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। जो जो न्यू है वो लोग सब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे और भी वीडियो ला सकूँ। ये देख सकते हैं मैं कंसीलर लगा रही हूँ अभी। अब मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। कंसीलर इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारा जो ब्लैक फेस पे ब्लैक स्पॉट थोड़ा थोड़ा होता है ना, उस एरिया में भी आप लगा सकते हैं, चाहे आप आई के नीचे भी लगा सकते हैं, अगर आपका आई के नीचे डार्क सर्कल हो तो मैं वो भी बिंडल से ब्लेंडर में ही यूज करती हूँ। तो चलिए अभी हम हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर लगाते हैं। आप चाहे तो पाउडर वाला हाइलाइटर भी लगा सकते हैं, लेकिन पाउडर लगाने के बाद
फेस पाउडर लगाने के बाद, क्योंकि मैं लिक्विड है इसलिए मैं पहले अप्लाई कर लेती हूँ, पहले ही अप्लाई करती हूँ लिक्विड। अगर आप लिक्विड वाला यूज़ करना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, लुमिनस का है। आप चाहे तो अलग ब्रांड का भी ला सकते हैं या ये ब्रांड का भी ला सकते हैं। देख लीजिए मैं भी हाइलाइटर लगा रही हूँ। आप चाहे हाथ में भी लगा सकते हैं, ब्रश में भी। ये लिक्विड वाला है, अच्छे से सेट नहीं होगा इसलिए मैं हाथ में अप्लाई कर रही हूँ हैंड पे। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से सेट हो जा रहा है। चाहे तो आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं या किसी को बोल के भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जो मेरा चैनल में न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक ठोक दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद हम पाउडर अप्लाई करेंगे हाइलाइटर लगाने के बाद। आप अच्छे से पाउडर को सेट कर लीजिए। मैं अच्छे से पाउडर को लगा ली। तो फिर अब हम ब्लश यूज करेंगे, प्रोफेशनल एपीके का है। तो आप लोग भी अगर कुछ अलग कंपनी का लगाते हो वो फिर अच्छा है तो मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो यही अच्छा लगता है तो फिर मैं ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोग के साथ एक कैसे लगाते हैं चलिए आपको शेयर करती हूँ। तो मेरे पे कौन सा सूट करता है वो तो मुझे ही पता नहीं, चलिए दिख के ही बताते हैं कौन सा सूट करेगा। सोच रहे हैं क्या लगाएंगे, तो सोच रहे हैं लाइट पिंक का लगा लें, अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बताइए आपका ये में कौन सा सूट करता है और आप कौन सा ब्रांड का लगाते हैं। मैं तो एपिक का ब्रांड का लगाती हूँ, अच्छा लगता है इसका। क्वालिटी भी इसका अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, प्लेटेड सब। अब चाहे अलग भी तो कुछ अलग कंपनी का भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला प्लेटेड बहुत सॉफ्ट है और स्किन पे कुछ ख़राब नहीं होने देता है और वाटरप्रूफ भी है। आप चाहे तो इसे लगा सकते हैं। तो फिर मैं अच्छे से अब सेट कर ली हूँ मेरे फेस पे, ब्लश ख़त्म, लगा ली ब्लश। अब मैं आईब्रो का थोड़ा ये ट्यूटोरियल बताती हूँ आपको। ये टू साइडेड है। आप पेंसिल वाला जो लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं, वरना ये ब्राउन कलर का मेरे पे सूट करता है तो मैं ब्राउन का ही लगा लेती हूँ, ब्राउन का अच्छा लगता है, ब्लैक भी लगता है, ब्राउन भी पता नहीं चलता। इसके पीछे ब्रश दिया हुआ है, आप चाहे तो इसके यूज़ से आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ आप लोग। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, अपना आईब्रो को सेट कर सकते हैं इसके थ्रू से, बहुत मस्त दिखाई दे रहा है। मैं तो यही यूज़ करती हूँ। तो फिर आप लोग देख सकते हैं मैं पाउडर वाला हाइलाइटर भी लगा रही हूँ, वो भी एपिक का है, सेम कंपनी का ही मैं सब कुछ यूज़ कर रही हूँ, सिवाय मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ की थी तभी। तो फिर आप पाउडर वाला भी लगा सकते हैं। आप लोग देखे ही होंगे मैं लिक्विड वाला ल्यूमिनस का लगाई थी, दो ब्रांड आपको मैं दिखा दी हाइलाइटर का। आप लोग चाहे अलग ब्रांड का भी लगा लीजिए, अनब्रांड का हाइलाइटर यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अनब्रांड का अगर लगाएंगे तो स्किन पे कुछ अलग रिएक्शन हो सकता है। तो फिर आप अच्छा ब्रांड का ही लगाएगा, देख सकते हैं आप लोग। आप लोग चाहे तो अलग का भी लगा सकते हैं या पाउडर का भी लगा सकते हैं। लिक्विड का अगर लगाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद फाउंडेशन लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस अभी कैसे दिखाई दे रहा है, मैं सब सेटअप कर ली। तो फिर अभी मैं अपना आईशैडो प्लेटेड दिखाने वाली हूँ और आईशैडो कैसे बनाते हैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। दिख सकते हैं मेरे पास इतना सारा कलर है, कौन सा कलर लगाऊँ ये समझ नहीं आ रहा। तो चलिए कौन सा एक लगाते हैं, मेरे पे सूट करता है, मुझे अच्छा लगता है पिंक कलर, सोच रही हूँ पिंक कलर लगाऊँगी, ये ब्रश है। तो फिर अभी मैं पिंक कलर यूज़ करने जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा पिंक लाइट मत लगाइएगा, क्योंकि लाइट कलर इतना भी अच्छा नहीं लगता। मैं पीच पिंक कलर लगा रही हूँ अपना आईशैडो पे।
लोग देख सकते हैं मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। अब ब्रश से आई शेडो जो ब्रश होता है उसे अच्छा से आप यूज़ कैसे करते हैं देख लीजिए। आई शेडो अच्छे से आइस के ऊपर अगर आप नहीं लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आई शेडो। आई शेडो का एक ब्रश होता है आई शेडो लगाने का आई के ऊपर, देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रहा है पिंक कलर। Thank you.